एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा तहसील बांसूर को परिवादी से 10,000 रूपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी के अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि रजिस्टर्ड हक त्याग का नामांकन खोलने की एवज में अनिल कुमार यादव पटवारी द्वारा 10,000 रूपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस महेंद्र कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मैं टीम के ट्रैप कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार यादव पटवारी पटवार हल्का शाहपुरा तहसील बांसूर को परिवादी में 10,000 रूपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। परिवादी श्री नेत्राम व उनके पोते मनोज कुमार द्वारा एसीबी कार्यालय को शिकायत दी गई कि पटवारी अनिल कुमार द्वारा परिवादी नेत्राम व उसके भाई के नाम इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं, जिसका एसीबी द्वारा सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन 10,000 रुपये की डिमांड उन्होंने अनिल के द्वारा पाया गया, जिस पर ट्रैप का आयोजन किया गया। रिश्वत राशि 10,000 के साथ अनिल को मौके से उसके किराए के ऑफिस में कस्बा बांसूर से ट्रैप किया गया। परिवादी ने हमें 28 तारीख को सूचना दी थी जी। परिवादी बताया ना आपको, नेत्राम पुत्र साधु, ये हैं ओसपुर निवासी, ओसपुर तहसील बांसूर जी। 28 तारीख को डिमांड की थी, 30 को वेरिफिकेशन कराया, आज इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।